बजेगा भारत झूमेगा भारत ये है भारत एफ एम बजेगा भारत झूमेगा भारत नमस्कार सत्याकाल वेलकम एंड आदाब You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind multilingual eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, svorti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out BharatFM.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24 hour web streaming on BharatFM.com or via the BharatFM app. More information can be procured at 513 488 5070. Sakhi Namaskar kari chi. और सब छोट धियापुता के हमर बहुत बहुत रास स्नेह भारत एफ पर कार्यक्रम जर नाम अच्छा अपन धाम हम मिथिला के बेटी आरजे माला झा समस्त मिथिलावासी वासी आ प्रवस के अपन मिथिला धाम में हार्दिक स्वागत करती अभिनंदन करती सर्वप्रथम नीक सौ मोन सौ से संख्या में जुड़े संगे एत तो उपस्थित सब अतिथि के प्रोत्साहित करती बहुत बहुत धन्यवाद आभार <coughs> सब भारत एफ के लाइक करूँ और आई अहास के आग्रह पर बल्कि बहुत पहिने हिंका संगे हमरा के छला जो अपने सबके विदित हाय कारण कारणवश आई हम अहाँस समक्ष उपस्थित और जे आई हमरा संगे मिथिला के दिशा और दशा पर चर्चा करे ले श्री विनोद नारायण झा जी के आमंत्रित कने तो बिना कोनो विलंब के कार्यक्रम के तरफ हम अतिथि के आई स्वादर आ, मंच पर बजा ली तो भूतपूर्व मंत्री बिहार सरकार एवं वर्तमान में बेनीपट्टी सौ भारतीय जनता पार्टी के विधायक वरिष्ठ नेता श्री विनोद नारायण झा जी अपने के सादर स्वागत करे छी अभिनंदन करे छी चंदन करे छी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो आई तो दर्शक सब से हो बहुत रास उत्साहित बहुत पहने से उनका आग्रह अपने के ला आबी और अपने जो मिथिला के लिए इतने कार्य कह सब के बात सरकार तक पहुंचा छी ओइला बहुत बहुत धन्यवाद और जखन सर्वप्रथम अपने संगे बातचीत के कोनो तरह छी तो सबसे सब पैने 23 फरवरी के चलचित्र भ जा तो सर्वप्रथम

ए, की चलते दिख नहीं नहीं आपने के बात चाहिए अपने पूरा स्क्रीन पर बिल्कुल बिल्कुल तो से तेईस फरवरी दू हजार इक्कीस एक ऐतिहासिक पल एना कह दिन बिहार विधानसभा से मिथिला विधानसभा के परिकल्पित हो परिलक्षित तो देख सके सवाल से हो देख से जत मैथिली में आ जवाब से हो मैथिली में छले वही दिन सवालों बहुत नीक रूप रहे जे अपने के प्राथमिक स्तर पर पढ़ौनी कल जाए ओही मातृभाषा के जे लिपिश तकरा हम सब तिरुता कह सकती या मिथिलाक्षर कहिए तकर संवर्धन और संरक्षण सवाल जवाब हिंदी में मुदा ओ हिंदी जे छे, से कखन मैथिली भ ग आ मैथिली से पूरा विधानसभा कखन मिथला आ मैथिली मै पते नहीं चल आ तमाम चीज में जे अग्रणी अग्रणी भूमिका निभेला निभेने वो आय हमरा संगे हमरा सबके बीच में मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम अपने से जाना चाहब अ तरहक माहौल केना बन केना एक शुरुआत जे भलेज सबके लगे हम सब मिथिला विधानसभा में बैसल चर्चा करियो सब, सब जरूर चार जरूर असल में दिन संजय सरावगी जी दरभंगा के एम एल एनर्षण रहने कहा तिरुता के बारे में आ दोसर मैथिली में प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के बारे में लेकिन वहीं में ध्यानकर्षण में कि एक से अधिक आदमी के सिग्नेचर हो जैरा सिग्नेचर करे तो में इंटरवेन कह तो संजय जी हमरो से और दू चार एम एल ए से सिग्नेचर करेने छह बिहार विधानसभा में भाषा हिंदी है हिंदी में वो ध्यानकर्षण रहे हिंदी में पूछबो वो कलखिन और मंत्री जी जवाब दलखिन हिंदी में और वो जो जवाब दिल्ली से संतुष्ट हो वाला नहीं रहे हमें लागल जो दिग्भ्रमित कह या हाँ बुझ में स्पष्ट नहीं भल ओ ओकरा स्क्रिप्ट के और उलट बात करे लगलखिन देवनागरी में की गड़बड़ी है तरब हम, नम्बर रह विस्तार से लेकिन हमारे मन में आये कि जहन मैथिली पर हो सब लोग मैथिली बुझते हैं तक कि मथिली में अगला प्रश्न पूछल जाए और ते हम उनका तैंकर प्रश्न से हम मैथिली में पूछल कहल तो सवाल मैथिली अकर संवर्धन के नहीं हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए वर्षों तक रह है मैथिली मिथिलाक्षर है मैथिली भाषा में या बाकियों चीज में तीर्भत के प्रयोग हो अकर संवर्धन के सवाल से और प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के सवाल मैथ तर तक सब सदस्य तो, तो मैथिली में पूछा लगल लगलखिन अब मंत्रियों जी तो अपने इलाका के लोग बाबू विजय चौधरी जी वह जवाब मैथिली में दिल्कि करीब आधा घंटा ही चल और आधा घंटा लगातार बिहार विधानसभा मिथिला मैथिली मय भ स्पीकर के कह पड़ल कि आई तो हम सब से पूरा मैथिली विधानसभा में लग तो रही तो ले रहा आज नया प्रयोग रही दरअसल सबके के बाकीयो दिन हम सब प्रयास करे बीच बीच में मैथिली बाजी जहिया से अष्टम अनुसूची में आ गए तो कोई रोक नहीं है लेकिन एक आदत बन हम सब हिंदी में करे दोसर एक कारण और जे बाकी लोग बिहार के मुख्यमंत्री या स्पीकर या बाकी अपोजिशन के लोग हा बुझ में सुगमता हो हिंदी में ते हम सब हिंदी के प्रयोग करे आ ओकर 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 से करी में हम सब कराई तो एक दिन हमारा रास्ता भेटल आ बादो में मैथिली में हम सब कैदिन प्रश्न सब पूछलिए तो वो अविस्मरणीय नीक तहिया लागल जे पूरा समूचा सोशल मीडिया पर जे तरह से मिथिला प्रेमी मैथिली प्रेमी अकरा जय जयकार कलन अकरा आगा से के और हिम्मत बढ़ल हम सब वही उम्मीद उदिनों केने से बहस नहीं कने रही अगर विस्तृत क्षेत्र में अई तरह से अगर स्वीकृति हेते और लोग अति प्रसन्न हेता तो तै द्वारे हमारा बहुत उत्साहवर्धन सब दिस से जे तरह सारा काज कल गल तो वो हम सब कल तविस्मरणीय क्षण से अहूं के लगे

ये बहुत निक लगल मुख्य और मंत्री जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी वो जवाबो दिलन मैथिली जी जी बहुत बढ़िया और तय हम कहूँ जो आई शुरुआत हमरा वही से करे के चाहिए जो वो जो पल हा, हा, है ना सो एक माने बहुत यादगार पल बन कर रही गई है तहना ओना हम सब ओम जो सवाल उठल रहे तो वही विषय पर हम सब आगू बढ़ लेकिन तई से पहले एखन जना चौबीस को अपने मैथिली भाषा के शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करवा हेतु तो जे पत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी के चौबीस मार्च को समर्पित हैं तो में की उम्मीद है आ सरकार के उत्तर भेटल आई दिशा में कौन तरह काज करवा की योजना एखन बन असल में भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्था है जे सरकार जे संकल्प या सरकार जे विधेयक लगै तकर अतिरिक्त जे मेंबर छे तो ओहो विधेयक ला ओकरा पार्लियामेंट में कह चाहिए प्राइवेट मेंबर्स बिल आज विधान बिहार विधानसभा में कैसे गैर सरकारी संकल्प तो एक गैर सरकारी संकल्प अनु विधानसभा में ही चौबीस मार्च का हम दिन सरकार से निवेदन कलियन मैथिली बहुत पुरान भाषा छे खासकर मिथिलाक्षर तो बहुत पुरान चीज़। तो शास्त्री है शास्त्रीय भाषा हेबाक चाहिए तो लेकिन सरकार के बुझ में कठिनाई भी शास्त्रीय भाषा की चीज़। चीज़ थी माननीय मंत्री जी से बड़का चीज भेट गया है संविधान के आठम अनुसूची में जहन शामिल तकर क्या शास्त्री तो कि शास्त्रीय भाषा तो लगे लैंबा से छोट चीज है तुम हम स्पष्ट कलियन कि शास्त्रीय भाषा एगो नया चीज छ अगर कारण ये कि बहुत दिन से एक मैसूर में, में भारत सरकार के संस्थान छे भारतीय भाषा संस्थान तो भारतीय भाषा संस्थान के अखन सरकार वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के सरकार वो नेशनल हेरिटेज सबको उजागर कर प्रयत्नशील भारत, भारत के महान कला संस्कृति है भारत के महान भाषा है तक उजागर करे फिर से और यूनेस्को दुनिया में लागल है जे वो चाहिए, जे, जे पुरान पुरान धरोहर थे वह धरोहर के आगे बढ़ावे और धरोहर के से उजागर करे आबे वाला पीढ़ी वही धरोहर के बारे में जाने समझे ते तैंत भारतीय भाषा संस्थान है तक वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर कलक है आ शास्त्रीय भाषा पर काज करे प्रयास शुरू कल लेकिन अखन शास्त्रीय भाषा में मात्र पाँच भाषा सम्मिलित कल गए पहल छे संस्कृत दोसर तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ और अ बीच में उड़िया से हो जुड़ हम चाहे मैथिलियो जुड़े से उनका बहुत बुझेल नहीं रह तैंबरा माननीय मंत्री कहला कि हम बुरा जानकारी नहीं है नहीं विभाग कई तरह जानकारी है हाँ अंत विस्तार से एक मेमोरेंडम बनाकर दी जाम वो सब तथ्य रखियो जे केना भ लिछला दू सप्ताह पहले शायद हमें लगे डेट ध्यान पर नहीं सात तारीख का शायद सात जुलाई का हाँ हाँ जी वह हे एक दिन आगा पाछ तो दिन माननीय मंत्री जी के भेंट कलियन के आतलिये कौन तरह बाकी भाषा एल इो जानकारी दिलियन कि उड़िया छूट छूटि हमारा जना बताओल गया साहित्यकार द्वारा बताओ गए जो छूट गए तो एक रास्ता अपनल तो रास्ता रहे राज्य सरकार एक कमेटी बनलक वह एक कमिटी तथ्य के पता लगे कि मैथिली भाषा या मिथिल्षर पंद्रह वर्ष पुराना आ पुरान, पुरान यदि तो तथ्य के साथ यदि रिकमेंडेशन हेतक भारत सरकार के तो भारत सरकार अ पर विचार हम पूरा विस्तार से दिलियन किुछ नामों सुझवय ला कहलन वह हाँ सुझलियन तैंकिन वह वही संकल्प के आधार पर वो गैर सरकारी संकल्प पर जे माननीय शिक्षा मंत्री हमारा कहने छला तकरे हम आगे बढ़ेल और तकरे आगे बढ़ा उनका हम इ से मेमोरेंडम में सारा बात बते लिया। जी बढ़िया तो इस हमरा एक प्रश्न हमरा मन में फिर इस आयल जे जो मैथिली के शास्त्रीय भाषा के दर्जा भेट गए भेट जाए तो कौन तरह के सुविधा भेटती संगे शास्त्रीय नहीं असल में अकरा बारे में हमरा जाने के मौका मिले अगर शास्त्रीयता के ले वो पाई खर्च करते कर खोज शुरू हेतु तिरुहुता जो लैंग्वेज है वो तिरहुता लैंग्वेज कते पुरान है और ओम कौन कौन काजरा जहां तक जानकारी है अखन किस दिन पहले बिहार रिसर्च सोसाइटी एगो संस्था है पटना में बहुत पुरान पुरानी कि पांडुलिपि हम जाकर देखलिए महापण्डित राहुल सांकृत्यन बहुत दिन तक ओ संस्थान में बैसे छह अखनो एक कुर्सी है जैपर महापंड राहुल सांकृत्यन बिहार बैसे छला राखल तो वह की नो? तो जहन, आ, हजार से बारहवीं शताब्दी में ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी में जहन नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह जला दिल गार बख्तियार खिलजी के द्वारा तो खत्म भग गए लेकिन जहन राहुल संकृत्यन तिब्बत गला तिब्बत से बहुत राश पाण्डुलिपि खचर पर घोड़ा पर बाकी चीज पर भारत अनला वही क्रम में कुछ एहन पांडुलिपि अनला जे मिथिलाक्षर में है जे तिरुहता लिपि में है बढ़िया से संग्रहित केने हम ता, भेल प्रमाण जे नालंदा विश्वविद्यालय में भी लिपि के प्रयोग होत रहे और हो प्रमाण है जे एक अखन एक हाजीपुर में एक महादेव के मंदिर बहुत पुरान ढहल धनमनाएल बुझू हरिपुर एक गाँव है ते में महावीर मंदिर के शिवलिंग पर तिरुता में कि लिखल और कि के खोज कोना है के करत केना सरकार करक चाहे ते शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा के जहन अधिसूचना भेजे त भारत सरकार और यूनेस्को के अकर जिम्मेवारी थे, जे, जे परंपरा परम्परा अकर जे पुरान इतिहास थे, जाए। जे धरोहर है तकरा खोजल जाए हमारे जे साहित्यकार के काज भेटतै पुरान पना पाण्डुलिपि पर खोज आ खोज भर प्रा प्रमाणिकत के साथ एक स्थापित क्या जो विश्वविद्यालय के काजे रहते भी कहते पर शोधार्थी सबके हेतु स्टाइपेंड भेटते तो शोध करता सब पर विभिन्न पाँच छह भाषा पर भग भाषा पर तह में मैथिलियों के शामिल कैल जाय से हरक है बहुत साहित्यकार के निवेदन सब छालो बहुत लोग आइयों तैं हम प्रश्न उठेलिए और सरकार एल प्रयासरत भी से है से हमारा लगे जी बिल्कुल क्या जो सचमुच अपने कहलिए जे हजारों हजार संख्या में पांडुलिपि जो है नष्ट भ रहा है जे अई तरह समाज मैंने बहुमूल्य धरोहर है तो ओकरा बचाव लाले बहुत निक प्रयास अपने के तब तो अब हम सब कनिक जे लग शुरुआत के नहीं रही जे मैथिली भाषा के पढ़ो पर, पर तो वही तरफ कनी वही प्रश्न के तरफ चले छी जे भाषा के पढ़ौनी मादे कौन तरहक कठिनाई है आ सरकार स्तर पर खासक विद्यार्थी माता पिता पाठ पुस्तक शिक्षक आदि स्तर पर जो कठिनाई है और रेखांकन अपने को तरहे आ एक सजग प्रतिनिधि नाते कठिनाई सबके दूर करवा कौन तरहक प्रयास कोनो कठिनाई नहीं यदि लोग सब विश्वविद्यालय भी में अकर विभाग छी कोनो कठिनाई नै छै लेकिन सब एक दोसर समस्या छै कोनो विश्वविद्यालय में मैथिली पढ़ायल जा पढ़ाई जा विद्यार्थी नै भेट छै मास्टर डिग्री ला पटना विश्वविद्यालय हो बनवर सिंधु विश्वविद्यालय हो कलकत्ता विश्वविद्यालय हो और त्रिभवन विश्वविद्यालय नेपाल हो अत में तो कम से कम मथिली पढ़ाई बिहार विश्वविद्यालय छै मिथिला विश्वविद्यालय छै पटना विश्वविद्यालय छै बिहार के ऑलमोस्ट सब विश्वविद्यालय में करीब करीब मैथिली विभाग छै लेकिन उसमें विद्यार्थी के अत्यंत कमी जो पढ़य नहीं चाहे तकर वि कारण हेत ब खोज थे। और भोसर छे एक बहुत लाभ भले है जो यूपीएससी में मैथिली शामिल भग गए अनुसूची में भेला लेकिन उससे पहले से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इ शामिल भग गल रहे आई में एग्जामो में लोग मथिली लोक परीक्षा दिय रहे लेकिन उन्नीस सौ नब्बे इक्यानवे बिरानवे समय में एक सरकार एलै जे एक हटा दिल्क और हटेला के बाद फिर मुकदमा चल रे बीपीएससी में हटेल के बाद हाईकोर्ट में लोग जीते गला आंदोलनी सब जीतला और तकर बाद संयोग से 2005 में हर सबके सरकार आय और जन हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार गए तो सरकार चल गई सुप्रीम कोर्ट लेकिन 2005 में जब में जन सरकार बनले एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशील मोदी के नेतृत्व में तखन वो सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस लेला और बीपीएससी में भी मथामिल तो आज पढ़े तो बहुत मौका से निक लगे है जतने रिजल्ट निकले निकल आईएस के निकले या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के निकल हर बेर मैथिली से विषय रखना हार सब तो में पास करे अधिकारी बने नॉन मैथिल छात्र ओहो सब से मैथिली रखकर बीपीएससी और आईएस कह रहे बड़का गौरव के बात छे ते पढ़ौनी में कोनो बाधा नहीं है कि नीचा स्तर पर बाधा छे वो बाधा धीरे धीरे दूर भ हाँ तेम एक भेल जे एक और गंभीर समस्या से स्थित है समाज के जै तरह कह लिए शिक्षक नहीं समाजक जे किछ कमजोर विपिन वर्ग सब सुधबा वर्गस रहै छथिन जे विद्या अर्जनक अर्थ अर्थ भेल एखन विद्या सीखब जाह में नौकरी चाकरी भेटत मैथिली पढ़ला से नौकरी चाकरी आ सम्मान नहीं भेट एहन किछ छै हर आरोप अब समाज जे समाजक उच्च वर्ग एही बेर संस्कृति पढ़ महा महामहोपाध्याय बनला दोसर बेर अंग्रेजी पर हाकिम बनला आ पुनः पर देश विदेश गया हर इोह छोफेसर शिक्षक आ हाकिम शिक्षक आ हाकिम सब अपना धियापुत के मैथिली में पढ़ब अपितु गणित विज्ञान अंग्रेजी कंप्यूटर आदि तो एहन स्थित में समाजक सब वर्गक सहयोग कोना भेट सकत आ एक जनप्रतिनिधि मैथिली भाषा प्रखर योद्धा के रूप में अ पर अपने कनी विचार जान चाहब क्या तरह स्थित एखन समाज में नहीं, एक से ने बहुत रास प्रश्न वेरा असल भले अख़नो पूर्ण विश्वास है जिनका अपने गाम घर के लोग या विपन्न कह सकते हैं कहा जीवे बड़का लोगक घर में भले ही ब्रेकफास्ट सामान्य वर्ग के घर में वो गरीब के घर में अखनो जलखे हो पन्पियाई हो जीवे मम्मी डैडी नहीं भाई माय छ पितजी बाून तथी तो तो पूरी तरह जिंदा है लेकिन एक कमजोरी हमारा सब में है कि वो जे जो एक्टिविस्ट छी वो मैथी के बारे में ई जे ये ये मानक मैथिली नहीं हम दोसर बात कह चाहे मानक मथ के कोनो मानकीकरण भले है कि कक् मैथिली कहबे समाज बजे तकरे तो मैथिली कहबे जे वो सामान्य जे हर जोतै जे खेत में काज करे जहन पनप्याय करे है, वो जन कलो करे एहन भाषा नहीं छे तो एक सा? के मैथिली भाषा बुझे सब, हाँ भगल है साहित्यकार के भाषा अलग हो वो एकदम शुद्ध मैथिली लिख तो वैल को अशुद्ध ककरा कहे अशुद्ध कका ओकरो तय नहीं है लेकिन जन के भाषा उसे आए हाँ लागक चाहिये कि हमरे भाषा मैथिली जे ब्राह्मण आ कास्त बजे जे जो बुझे वह असली छे समग्र समाज में बजे हम तक कहे ग्रेरसन अठारह से अस्सी में कृष्ण मैथी लिखने कृष्ण मैथी एक किताब ते में उदाहरण देने मैथिली के समग्रता के उदाहरण में एक उदाहरण हर जे, जे दलित समाज कहे जे केना सलहे से गीत मैथिली में गै पच्चीसों तीस गीत के संकलन केने कने ग्रेयर्सन और मैथिली अंग्रेजी में अनुवाद कैने अना मुसलमान जे दाहा में झरनी ग वो झरनी मैथिली मैथिली में के संकलन गकलन कहकर ग्रेजुएसन किताब में अनुवाद कने हिंदी अंग्रेजी में जो दुनिया जनो और दुनिया एक बात के बुझो ते वो असली मैथिली थी और सब कह रही जहां तक रोजगार के सवाल छी तो पढ़ाई माने सिर्फ मैथिली भाषा के पढ़ाई नहीं है हर चीज मैथिली में हुए अखन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार इंट्रोड्यूस कल एक हुआ वह हर मैथिली में होई फिजिक्स हेते मैथिली में केमिस्ट्री हेते मैथिली में और मैथमेटिक्स हेते मैथिली में जखन अहा इजराइल सन संदेश जन दुनिया भर से जमा तो दू हजार वर्ष पुरान ओकर लैंग्वेज हिब्रू जे खत्म गेल रे जिंदा कि कल नहीं कलते यदि अंग्रेजी में सारा ज्ञान विज्ञान भले मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड में तो रूस जखन ओकर प्रादुर्भाव तो रशियन में ट्रांसलेशन कि नहीं जापानीज में कि नहीं अंग्रेजी में थोड़े लो में लोग पढ़ के बड़का विद्वान है कि नहीं चाइनीज में पढ़ के बड़का विद्वान है कि नहीं में दुनिया के हर चीज़ हेत से परिकल्पना है यह परिकल्पना नहीं है माने मैथिली लैंग्वेज पढ़ू सब कुछ मैथिली में पढ़ू हम हिस्ट्री पढ़ सके छी हम अकबर के बारे में मैथिली में पढ़ सके छी जहन हम पढ़ब यह मूल भाव है न, एजुकेशन पॉलिसी के छोट बच्चा से हो पढ़ा तो एक के स्पष्ट करना आ हर चीज हम सब पढ़े कारण दुनिया में रिसर्च भली है ऐसी मानल गए कि आसानी से बोधगम्य वह विषय हो बच्चा के यदि माया वाला भाषा में समझाइए ते हो मातृभाषा में सब कुछ हुए वो एहन क्लिष्ट भाषा में यदि हेतु तो बुझो में देरी हो तो बड़का आदमी के धिया धियापुता तो क्लिष्ट भाषा में तो बुझ ल गरीबक बच्चा जो अपन माया वाला लैंग्वेज में बुझते फिजिक्स माय वाला भाषा में बुझते केमिस्ट्री माय वाला भाषा में हिस्ट्री जोग्रफी से वो नहीं बुझक जान भारी भारी शब्दावली शब्दावलिक तो भेंट ओकरा शब्दावली बुझ पड़े आ शब्दावली एक उदाहरण बहुत दिन से दैर जना हम सब कहे गिलहरी आ गिलहरी गिलहरी माने तथा गिलहरी मतलब लुक्खी एक बेर में जब लुखी पढ़ ले तब बात खत्म तो से भाव से इ भाव नहीं है मैथिली पढ़ने के मामले में मैथिली भाषे पढ़ पड़ते भाषा अलग है मैथिली में हर चीज़ पढ़ल जाए मैथिली में हर चीज के विकास हुए आज के जानकारी है कि ग्यारह ए आई सी टी है ग्यारह इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोग शुरू कैलक है गैर इंग्लिश में इंजीनियरिंग के पढ़ाई हिंदी में और बाकी लोकल लैंग्वेज में एक परिकल्पना से में हर कित पढ़ाई हो विद्वान है ठीक है ये रोक नहीं छे दुनिया के हर भाषा जाने अ दुनिया में जाय पड़े मैथिल बहुत फ्रेंच सीख रहा क्या है आज कल हमारा कै गोटे भेटे कहे फ्रेन्च सी बहुत बढ़िया बात अंग्रेजी सीखी फ्रेंच सीखी दुनिया के हर लैंग्वेज सीखी अ दुनिया के मुकाबला करके लेकिन दुनिया के मूल तत्व से वो अपना भाषा में हमार बच्चा आसानी से बुझत इ परिकल्पना से मैथिली शिक्षा के माध्यम हो मिथिला इलाका में ई बात लेकिन संगे संग जो वो गैर लोग जे अपना के मैथिल नहीं बुझे हमरे इलाका में हमरा से बेसी सुंदर मैथिली बजे घर में बजे अपना कनियां लग बज अपना माए लग बजे हा न लगे मैथिली सब एक्टिविस्ट के, के सोचे के सवाल मैथिल एक्टिविस्ट की मैथिली साहित्यकार इनका सबके सोचे के सवाल कहीं एना त नहीं के अपना जेबी में लाख लिए हम जो भाषा बजे तखर असली कहे असली मैथली, नकली मैथिली असली छी हम जनता बाजे वह असली छी केना है मधुबनी जिला के बाहर यदि शारदा देवी कही तो कहते छथिन जे जगदम्बा घर में एली बाढ़ एलिहे बाद में साहित्यकार कहते हैं शुद्ध मैथिली नहीं है कहते बाहर एली एलिहे अरे बा हाथ कोना है कोना है तो हैं हम बज्जिका में लिखल मैथिली में नहीं लिखल शुद्ध मैथिली में लिख रही अशुद्ध मैथिली छे हर इलाका के मैथिली एक और बात हम कहे अंग्रेजी दुनिया के सबसे सब ताकतवर भाषा लेकिन की ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी से अमेरिका में छे इंडिया में से इंग्लैंड में टोन में फर्क है अनेक वर्ड में फर्क है बजे के स्टाइल में फर्क है प्रोनंसिएशन में फरक है फिर अंग्रेजी छे कि नहीं यदि भागलपुर में बाजल जाए सहरसा पूर्णिया में बाजल जाए या मुजफ्फरपुर में बाजल जाए निश्चित रूप से वह मैथिली छे आज अक्सर लोग कहे जे आ आधी मधुबनियों बेसि निक बा जा बाजल सहरसा मधेपुरा सुपौल और अररिया में कहा उदाहरण दि हम कैटा उदाहरण दे दैस हम मधुबनी स्टेशन पर उतरू कि मैथिली नहीं बजे रिक्शा वाला के पूछियो तो कहत धकेलने अब पश्चिम से आगा बढ़े कहियो बेतिया में रह ढकल नहीं धकल नहीं सीतामढ़ी नजदीक पहुंचा दिल्कि लेकिन अखनो जिंदा है पूर्णिया में स्टेशन पर उतर त कत जब हो कौन था ठाक जवा तोरा स्टेशन के नाम में हमें मधुबनी से राजनगर के बीच में जे बोर्ड सब चेते में लिखल कमला नदी लेकिन वहीठान जे नदी सब चेते में लिखल फल्ना धार फलना धार अखनो गांव में हम धारे कहे लेकिन बोर्ड हम लिखे जी कमला नदी पछराजा नदी लेकिन अखनो अखनोंगा फलना धार छे लिखे छे त भाषा ओत छे ओकरा हमरा अपन भाषा बुझे पड़त

से कहा मान्य परिभाषा से तेरह तो मिला आग मिथिला त भागलपुर चल ग कि गंगा हमारे दक्षिण छी गंगा के बाद बांका में बाबा धाम में भागलपुर में दुमका में गोड्डा में मैथिली है मैथिली के अपन मैथिली बुझ पड़त आ बुझबे तखने मैथिली के विकास होते कि भाषा के यदि सब घेर के रखबे तखने कह अं अपना जेबी में भाषा के रखने की भाषा के बाहर निकल दियो सबके अपन भाषा मानय लग, मानय लगला है आब तो हम कह भाषा जे तरह से लोग लोगस बी पी एस सी में बढ़ रहे तो ब्राह्मणे आ काश्ते बढ़े नहीं बाकी समाज सब भी मैथिली में बैस रहे और परीक्षा पास कर रला है तो मैथिली के बड़ी व्यापकता बढ़ रहा है हमारे तो उम्मीद बहुत जागल है पिछला दस वर्ष में यह हम मिथिला और और मेथली और मैथिली मैथिली भाषा ल नौजवान में जो हम उद्वेग देखिए उद्वेग हमारे हिम्मत के है हमारा मनोबल के बढ़ावे है कि मैथिली के नाश नहीं भ सकते एक जाबे तक संविधान संग से। लग समाज में नौजवान खराब एलै हम सब जन विद्यार्थी रही हम अत नौजवान नहीं देखने रही है खड़ा शहर में मतलब तो भारत के विद्यापति समारोह में हर जगह जाए जत बजे मध्य प्रदेश के रायपुर या हो या उत्तर प्रदेश में बेरठ हो दिल्ली हो चंडीगढ़ हो हर जगह अं जायी में विद्यापति समारोह ठीक से गल्हा लो तो लो तो लोग करे ओतो रहें वाला लोग करते हैं हर जगह किताब मैथिली में लिखल जाएल के भविष्य बहुत उज्जवल है और बढ़ाक जरूरत है आज बाकी लोग हमारे कहक भाव ये यह जे सामान्य लोगक भाषा छाथली माने जै वह असली है जे ग्रेयसन कृष्ण मैथी में लिखने के बारे में वही व्यापकता में वह समग्रता में सबके जाए के चाहिए और जेवा अपना मैथिली मानक चाहिए नेपाल में नेपाल में समग्र समाज मैथिली इलाका है तक अपन माने लेकिन हमरा इलाक़ा अब हो ब्राह्मण सबक भाषा छे या कर्म कैस्ट के भाषा अकरा दूर कर, कर भ्रम के तोड़ पड़े जी जी जे बिहार सरकार ना से के कमजोर कर एक हर सचमुच ही अपने जो <laughs> जेकरा दूर कर हाँ बिल्कुल एकरा दूर करो पढ़ते, कोना को समाजक इस वर्ग के लेल की तरह प्रयास करवा चाहिए एक संदेश दिलिये अंजे कनिक मनिक किो आब जे चर्चा के लिए अपने सहरसा बेतिया बजे एक वज्जिका अंगिका के तो बहुत निक संदेश जे सब एक सब भाषा एक है कनिक कनिक सचमुच कनिक कनिक डेग पर कि बदलित लेकिन हमरा सब के सब के एक संगे बढ़कर आगू बढ़वा तखन जना अपने चर्चा के लिए जे सचमुच नव, नव युवा वर्ग जे छै से काफ़ी मतलब पैग संख्या में आगू आग रहला है तहिना एकटा एक समाजक एकटा एक पैग मितक्षर वर्ग सीख रहा आ ए तरह हे ओ अपन माइट पाइंस से जुड़वा के लेल तत्पर छ तो जे वर्ग मिथिलाक्षर सीख लेलक ओकरा आगा कोन तरह के काज भेटवाक संभावना छेक से ओ प्रश्न मन में ओभि सेनी प्रश्न हमरो लग में ओ जे ई हो जे आ मिथिला में मिथिलाक्षर की भविष्य छेक क्या भेटते मात्र बोली कर रही जाए तो अपने के परिस्थिति में कौन तरह मूल्यांकन करें से कहबे करिये अ तरहक प्रश्न हमरो लग में हम मिथलाक्षर से जुड़ल <laughs> बहुत पैद अभियान सब पंडित श्री अजयनाथ गुरु जी के संगे तरहक प्रश्न सचमुच अब कहीं अपने अपन विचार कहून तरह की तरह के नहीं सोचे के चाहिए आय न कल हम सब अभियानी छी हम सब एक जीवंत करे चाहे छी हम सब एक्टिविस्ट छी अक्टिविस्टी तैंक कर चाहिए आ जहन हुए लगते त बहुत उच्च श्रेणी में जते बहुत लाभ के स्थिति हेते लेकिन तत्काल लाभ के दृष्टि नहीं एगो एकटा अभियान के दृष्टि सिखबे के जे मर गया हमर धरोहर ओकरा जिंदा करे चाहिए हम एकटा बात कहै छी हमर दादी हमर नानी ये मिथिला पेंटिंग के जेने जिया रखली हाँ बुझल रहन मिथला पेन्टिंग कहो पार्लियामेंट में बोर्ड में टांगल जते उनका बुझल बुझल मिथिला पेंटिंग पूरा पटना से लक दुनिया में जत नरेंद्र मोदी जता पेन्टिंग जता एक एक शहर में है जो हेतु अच्छी फायदा हो बचते आई मिथिला पेन्टिंग बचल अर दादी हमारे नानी हम सा परम्परागत रूप से जिंदा रखली चलबतल आई मिथिला पेंटिंग हर जगह है दुनिया भर के लोग अब खरीद चाहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जाए चाहे तो जाका एक बेर पेटिंग लाइर जापान गा तो एक नाम हमारे ध्यान पर से उतर रहा ला है वो एक मधुबनी के म्यूजियम बनल है सीता देवी सनसन लोग गलखी जाकर मधुबनी म्यूजियम बनल टोक्यो के आसपास कतु बुझे रहती है कि पेना आई हम सब हम धरो हर धरोहर विलुप्त भ रहा है तक सबके जीवंत राखेल सबके सीखा चाहिए अहा के मन हाथ कि नहीं मानक हम जन बच्चा रही पंडित जी संस्कृत में लिखती पता पता उपनयन के पता ब्याह के पता लेकिन वही पत्ता संस्कृत लिपि लिपिकर देवनागरी नहीं रहे मिथिल्क्षर रहे स्वस्थ सौजन्य चंदन मलय भू विशोवित भूमल को मैथिली में मथिल्षर में लिखल जाए हम देखने लेकिन धीरे धीरे वो खत्म भ धीरे धीरे देवनागरी खा गए आई हमारे एक्टिविट शुरू कला है हम सब सीख कर रहे सब लोग सीखे तखने अकर उत्थान हेते आ तखने बुझे में औत हाला लगे दृष्टि से नहीं सोचे के चाहिए हम फिर एक बात याद दिए हमरा स्क्रीन पर बार बार लिखा रहा है कि यू आर बैक स्टेज हम पर हमारे स्क्रीन पर फोटो नहीं आ रहा है तो ते आहा के फिर हम दोबारा याद रहे और चलो कौन हो जाए स्क्रीन पर तो दिखा रहा लिए या अच्छा चलो फिर हमरा मोबाइल में देखा आ, 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 नहीं दिखाया आ नहीं कनी चेक कर ली छी कनी एक रति कनी देख ली छी हम कोनो बात नहीं पता नहीं कि आ, कुनुने, कुनुने, सब ला, आ, हाँ लाइव में छी लेकिन अपने बढ़िया से देखा बहुत सब सब सबसे पैग बहुत, सब बहुत, बहुत निक संदेश दिलिये ठीक है मिथिलाक्षर नहीं हमरा सबके घर में हमर बाबा तो पूजा पाठ दुर्गा सप्तरक्षर में रहन वही में पाठ हो प्रतिदिन ही

हां हाँ तो हाँ, बढ़िया कहो के ससुर पढ़वो करते लिखवो करते तो लगातार हाँ, मैथिली में ये और, और, एक नया अनुभव है सबट बाबा के रोज प्रतिदिन पूजा करे कर पता नहीं किया एहन रहे जे अब ने न ने, ससुर बाबा जे कोई हुँ। हुँ। चर्चा नहीं पढ़ाइयों लिखाई में जे हाँ भाषा से हो सीखक चाहिए हेवा चाहिए और बल्कि आई का समय में नासिक सेभूति पंडित श्री अजयनाथ गुरुजी हुनका धन्यवाद दै धन्यवाद जे हुनके माध्यम से हम सीखलो सेवेंटी टू सेवेंटी टू बैच से हम सीखल और बहुत खुशी है अपना संगे बात शेयर करम में दू सब 2014 से स्टार्ट कलखी एंड बावन ट विद्यालय चल रही है रह तो तेईस ते, ते महिला वर्ग के एच, और हम सेवेन्टी टू बैच से सीखक हमू संरक्षिका हमू अभियान से सक्रियता से जुड़ल गुरु दक्षिणा गुरुजी के दिन आजीवन ऋणी संगे अनेको लोग के देश विदेश से अनेको लोग के घरे बैसल व्हाट्सएप के माध्यम से अपन मातृभाषा से परिचय करा रहल तैग वर्ग वर्ग से इस जुड़ल एखन बहुत खुशी के बात छे और अपने जे एते सुंदर संदेश दिलिए मातृभाषा के लेल तो हमारे दर्शकस बहुत रास जुड़ल बात वो, वो सब लिख रहा है जब अपने देखा रहा लिए देखा रहा थी स्क्रीन पर अच्छा 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 देखा बहुत बढ़िया बहुत दोगा। बिल्कुल और सब बहुत बहुत निक लग रहा है अपने सब बातचीत सुनम से बहुत निक जानकारी भेटलन है हम एखंड कहब आई अपने बहुत निक जानकारी हमरा संगे दर्शक सबके दिलियन है और भेलन है आ दर्शक सब के अगर कोनो तरह प्रश्न छूटल हेतन तहत तो तिख तो सकते तो जखन समय भेटतन तर अहाँस के प्रिय नेता देखता और जवाब देता तो जेना हमरा सब संस्कृतिक मूल्य पर अपन लिपि पर बात कह रही एखन एतेक छी जे केरल में चल जाए तो जे दू तीन टा भाषा जो भारत के जे प्राचीनतम भाषा के अगर चारिटा के चुनाव तो से पाछा नहीं रहती मुदा हम सब किया भेल जा छी हमरा से तो पूछे छी जी जी कनिक हाँ क्या एते सुंदर संदेश देया त जेना अजल हाँ, बे अकर ऐतिहासिक आति, कारण छ धीरे धीरे, धीरे 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 हम सब से अपना सा अलग भ एक एकटा हमरा सब के रहबो करे हम आप इनको दुख देवे न कते लोग के दुख भजते महाराज दरभंगा अपन राजकाज के भाषा देवनागरी कोदेलथि ओ जे देवनागरी कोदेलथि ओ एकटा शुरुआत भ गेल अहुसा पहिनेस लोग सब अब धीरे धीरे भाषा के कह हालांकि मैथिली का आंदोलन ला सब बहुत प्रयासों कला लेकिन पता नहीं वो दिल्ली शासक के खुश करें कि उर्दू अब देवनागरी और हिंदी बेसि प्रयोग में आवय लगे जो नहीं हेबा चाहे छे जे मिथिला के जते राज दरबार सब रहे मैथिली ला अलग से कार्य रहे करे धोत परीक्षा कर, जे मैथिली में मिथिलाक्षर लिख दिन एक जोड़ धोती देती वो सब हो लेकिन हुनकर जे राजकाज के भाषा रहन धीरे धीरे खत्म हो गए और खत्म हो, थो हो थो थो वो वो सब दिली हुआ लगल अन्य अन्य लिपि लिपि खड़ा एक, ता कैथी एक ता और, -और लिपि सब आवय लगल अपना आसे वो, वो, वो कर प्रसार बढ़ लगल दस्तावेज सब ओ लिपि में लिखा लगल और कई तरह लिपि सब ऐसा आवय लगल धीरे धीरे मिथिलाक्षर राज -काज के भाषा से अलग भग गए तहल जाइ कि वह भाषा और वह राजक राज संरक्षण नहीं भेटे तो कमजोर भ जा हमारा लगैक् कारण है राजक में अगर संरक्षण कमजोर हुआ लगलै विद्वान सब अपना घर में राखिली मिथल लेकिन राज काज के भाषा से अलग भ भगल ती द्वारे आ दोसर एक, एक राष्ट्रवाद बड़ा बार जोर चल रहा आजादी के बाद तो भले बाप रे बाप हिंदी के खिलाफ नहीं भ जाए बिहार में यदि हम सब अपना भाषा ले बेसी बड़का लड़ाई लड़बे तो राष्ट्र ने कमजोर भ जाए ही नहीं तमिल लड़ला तो थो थोड़े कमजोर भले मराठी लड़ला तो थोड़े वैसे रा लेकिन एक भाव जगले आ एक ता और बात आई हम कह चाहे जो हम, हम अक्सर कहे किनको लोग के खराबो लगते हर सबके एक फकड़ा दूटा फकरा हर सबके बदल देव चाहिए एक फकराई बारीक पटुआ तीत बारीक पटुआ तीत किए हे अपना बारीक पटुआ नीक हेत बाजारे वाला चीज है थी। भाव ला पड़ते अपन चीज के हम छोट बुझ लगे अंग्रेजी पढ़ लिया कहीं बाज लिया बड़का विद्वान लाग लगे लेकिन क्यों संस्कृत में बढ़िया बढ़िया बात करे या मैथिली में बढ़िया बढ़िया बात करे तो हमारा लगती तो तो भाव मन से हटव पड़े एक और हम सब फकड़ा पड़े एक भाग बारीक पटुआ चीत से भी कहो बारीक पटुआ बारीक पटुआ नीक हम बाहर से लायब तो बड़ नीक लागत बारिश से तोरिक लगा तो कबे कभी ठीक है आ दोसर एक फकड़ा छे मुइने नाम परे ने ना। तो तो नाम एहन कत फकड़ा बल है मुइने कतो नाम हो एक फकरा तो बदल दी बारीक पटुआ निक जीने नाम केने नाम अकर अभाव रहा हर में दोसर के प्रति बेसी आकर्षण रहल अखनों विदेशी के चीज के बहुत आकर्षण हमरा हमारा हुआ लागल अपन निक, -निक चीज हम छोड़े चल गं अपना के भाव खत्म भेल तहन अपना बुआ के हम बुआ नहीं कहबे दोसर के कह तो नहीं अनुराग देग देख तहन तमिल वाला थोड़े देखत मराठी वाला थोड़े देखा कियो नहीं देखा अपना भाषा के आई धन्यवाद दिये ग्रेजन के जत काज एक एसडीओ मधुबनी के वो क गा नहीं पेंटिंग है से उन्नीस सौ चौंतीस ईस्वी के आसपास डब्लू जी आर्चर मधुबनी के एसडीओ थ भूकंप गामे गाम घुमला तंगा वो तो फोटो आ फोटो खींचकर ब्रिटिश म्यूजियम के, के भेजलखिल तहन तो लोग मिथिला पेंटिंग बुझल मितो पेंटिंग कोनो बड़का चीज से हमरा एठा के लोग के बुझे नै कनी नहीं आवे तो हमरा घरक कनिया बहुरिया लिखा पढ़ी करे अपन चीज के डॉक्यूमेंटेशन के जे काज अंग्रेज तकर लाभ हमरा भेटल क्रिएशन विस्तार से हम तखनो एक कृष्ट जे देखे त हम रोमांचित भ जाय छी जा उदाहरण देने छथिन मैथिली के समग्रता के पहल दिलखंडी एक पंडित दुर्विल झा हर बेटी से विधवा बाप विधवा बेटी के कोना चिट्ठी लिखे से एक दोसर चिट्ठी छोसर हर छवि विद्यापति के कविता लोक कंठ में रहे लो गीत गवे ग्रेजन अस्सी गीत के कलेक्शन अंग्रेजी अनुवाद केसर सल्हेशक नाच हुई मिथिला में सलहेश में मैथली में गीत गाया जाए ये दलित समाज ओकरा ओ जमा कलन और अंग्रेजी अनुवाद मुसलमान समाज दाहा जहन चले तजिया जखन चले तो झरनी गवे उकरो अनेक गीत के संकलन कलन आ संकलन ओकरा अंग्रेजी अनुवाद कहना पंडित हर्षनाथ झा जो हा समय मॉडर्न कवि रहती हैं हर कविता अना छोटा उदाहरण किताब लिखला किताब रोमांचित करे वाला मिथिला मैथिली कते समग्री एक जात के भाषा नहीं है बल्कि मुसलमान दलित हर के भाषा मैथिली अर्फ ग्रेडसन अठारह सौ अस्सी में साबित से चल गया है आहजे नक्शा दिला है वह काज कला है ते पर हम सब अखन तक चल रहा हमरा वहींठ विद्वान कमी नहीं है एक और बात छी हमरा दुख त छी हो ते कह क लगे ई अपना अपना के बड़का अभियान बुझे दुख हमरा हो एक से एक किताब लिखल नहीं लिखले कुमार सम्भव कालिदास लिखल बाहर जाकर मेघदूत मिथिला में लिखला वो रघुवंश के रचना कला विद्यापति से लाख ज्योतिश्वर ठाकुर एक से एक से न्याय पर वेद पर मीमांसा पर नव्य न्याय पर हजारों ग्रंथ लिखल गया पाण्डुल कि इतिहास पर क्यों नहीं लिख सके छला कि भूगोल पर क्यों नहीं लिख छला काफी कम हमर हमारे रहन सहन पर नहीं लिख छला सबके के डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते केना शुरू भले हमारे आश्चर्य लागल जे लगल के विभाजन कोना भगल 18 से 15 में आधा नेपाल भग सोवरेनिटी हमर चेंज भू सोवरेन देश से हम कत्ते किताब लिखल गेलै करीब करीब नहीं के बराबर कित डॉक्टर लक्ष्मण झा जन बा, बावन तिरपन में पचास आजादी के बाद उदारि तो लगे तो अपन गिरफ्तारी प्रयास क्या तहन लोगों के ध्यान गलत लेकिन डेढ़ सौ सा साल में किताब कित कम नहीं लिखे अन्यायोग तो बजल क्या नहीं आवाज क्या नहीं उठल लिखल गए एक से एक किताब धन देखा लगे ठीक कह लिया आ मिथिला सोसाइटी चल जाय कमरा घाट दरभंगा में पांच हजार पाण्डुलिपि लेकिन मिथिला के सामाजिक जीवन भाषा के परिस्थिति लोक जीवन हमार इतिहास हमारे भूगोल और चर्चा कत कम असर लाभ हम विद्वान ला। रही दुनिया के भाषा के ट्रांसलेट करम है वेद के व्याख्या करम है न्याय के व्याख्या करम है करीमांसा के व्याख्या करम लेकिन अपना बारे में लिखा में खराब लाग लगे तो कि नहीं तो बातें नहीं चाहिए तै द्वारे अ पर विशेष कत जाए के ना हम सब पछुआ गलो अब जे भले से भले अब जे भले से बीत गल आज नया पीढ़ी मिथिला ला बड़ अनुराग है वही बहुत जोर आंदोलन कर ला वो हर के चाहिए केना प्रोत्साहन करी हम अहाँ के धन्यवाद दी उन्नीस सौ बहत्तर में क्षर सीख बहुत भारी बात आबक लोग मथ लक्षर सीखे अभी लाभ की हेतु लाभ ला हम सब तो बहुत काज के रहा हमर धरोहर केना जीवित रह धरोहर जो खत्म भग गल के पुनः दिव्यमान है तर प्रयास करे के चाहिए एक से एक हमारे धरोहर विनष्ट के कगार पड़े के जिंदा करब अनेक दिन पहले एक रिसर्च भले हम दो से 2007-8 में बड़ौदा के एक विश्वविद्यालय तीन टा विद्वान के ला जो नचिकेता विद्वान के, तासे हो और के रिसर्च रिस कल बहुत बात कहलखि बीस बरस में मैथिली उत्कर्ष पर पहुंचा। में कहल की नहीं अगर शुरुआत इतने इतने किताब लिखा रहा में हम कहे अत हमारा आश्चर्य लगे अजीत आजाद मधुबनी में गला मधुबनी में नहीं रह दिल्ली बॉम्बे करते रहनी गा प्रतिवर्ष पचास मैथिली में लिखा लगल एक आदमी प्रयास सके सकते सबके सबके प्रयास करक चाहिए मिथिला मैथिली के जीवंत करब के, के अपना जो बहान कल्चर है अका हम तर उद्घोष कर कल्चर मिथिला के संपूर्ण के एक के कल्चर नहीं समग्र समाज जिन्हा भद्री के के ना के के ना को मुसहर समाज के आगा कल बंठा चमार चमार समाज के आगा कला तल्हेश महाराज के समग्र समाज के इकट्ठा कड़ाई लड़ा सबक हमर छी हमारे झरनी मैथिली में गायल अनकर नहीं छे तैसक क्य हर करे के चाहिए सम्पूर्ण मिथिल के जे इतिहास मिथिला के जे महान परंपरा ओकरा जागृत करे के चाहिए लगबे तखने मिथिला के जे हमर हरे धरोहर है वो आगा आये सरकार प्रयास रहते सरकार कखन कहत अपना ओम जे यदि बेटा बच्चा कने नहीं माया दूध पिए बिसेर बिसे जते बच्चा कने से तो मैं जोड़कर दूध पीअब तहिना हमरा हमारे आवाज आवाज उठवा हर चीज के आगा आगे ओले अपने प्रयास अपने मैथिली ले प्रयास करबे अपन आचरण एंटी मैथिल रखिए अं ठीक कहलिए ओ जे नौ कहले से हम नहीं कहा था है भीपन समाज जकरा है जैसे अंजे नलिए कह चाहे विपन्न समाज विपन्न नहीं है बहुत मजबूत समाज है ओ समाज धारा से अलग ओरा खराब लगे ओरा लगे चला चलाकी करेगा अपना बेटा के इंग्लिश पढ़ा का पढ़ा का बाहर समझे बात है इंग्लिश से दोस्त दुश्मने नहीं है फिजिक्स जी साहब आई आई टी इंजीनियरिंग में जाए इस दुश्मनी नहीं है हम सब सब चीज़ मैथिली में शुरुआत में पढ़ी बाद में सब किस पढ़ब सर अपन भाषा के जिंदा राखब अपना माई के बोली के जिंदा राखब अपना कल्चर के जिंदा राखब अपन महान सांस्कृतिक धरोहर है तक हम जिंदा राखब आ संगे संगे बाकी सब बाज करो दुनिया करे छे, जे चीन करे यूरोप के लोग करे कर जापान करे सब करब हम आ तखन हम मिथिला आगे बढ़ब मिथिला में एक बात हम कह दी महान मिथिला में महान मानवीय संसाधन आय से नहीं, हजारों साल से सा अनेको किताब लिखल अने के अनेको मंथन कल के जखन यूरोप सब में लोग के घर बनबे के लु नहीं रहे गाथ पर रहे, रहे पहाड़ पर रहे तखन मिथिला में किताब लिखल जाते रहे मीमांसा पर चर्चा होते महान धरोहर है ओते नहीं हर चीज में एक से एक अच्छा जल सबसे संकट से दुनिया में हमार लग प्रचुर जल है प्रचुर मात्रा में जल है भूमि अत्यंत उपजाऊ अत्य उपजाऊ अंत यदि पहाड़ पर चल जाऊ जा लागत जा कत उपजते उपजत एक से एक उपजाऊ भूमि है हमारा उत्कृष्ट भूमि संसाधन प्रचुर जल संसाधन श्रेष्ठ मानवीय संसाधन फिर हम बढ़िया कि नहीं बढ़िया कबिपर चिंतन पड़त सोच पड़त आगे बढ़ पड़त आ जब बढ़ब जीवित पुरुष के विनाश नहीं छी हमारा समाज में पहले से हमारे दादा परदादा कहने जिंदा रहू अपना ला लड़ित रहू धरोहर ला प्रयास करते रहू सबकिछ सब, सब भेटत हमरा पूरा विश्वास है जी बहुत बढ़िया और आ, हम प्रयास पर पर कहीं दूशब्द बाज लेकिन वही सब पहिने कनी कनी के रती सेवेन्टी हम 72 वी में नहीं कल 72 बैच से कल 2019 हजार में कल <laughs> क्या जन हम चूंकि कहीं अमेरिके में रही बल्कि तो पंडित अजरनाथ गुरु जी के चौली छलन अभियान में तहिना कोनो अभियान के हमरा लग में व्हाट्सएप पर मैसेज आये ओतै हाँ, रही हम छुट्टी में गेल रही हमरा व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर ग्रुप में क्यों एलि अगर अहा सीख के इच्छुक अपन नाम और नंबर दियो हम बड खुश क्या बचपन से दिखते आये तो हम 2019 में उन्नीस लूं अब बैच रे हमर 72 टू एखंड बैच 180 बैच चल रहा है कहबे कहूं टा विद्यालय बड़का विद्यालय छे एते निक माने मान बहुत विस्तार से एक दिन गप भगत गुरुजी के एक दिन हो रियन और दोसर अपने इतने चीज कह लिए सचमुच तो हमरा मन में एक टा बात आल, जे हूँ बाजा चाहब जे सबसे बड़का बात हमर सबके उपमुख्यमंत्री मैथिल आ हम तो दोनों के माथल बुझे छ आ मिथिला क्षेत्र से हो आ, और जेना हमरा ज्ञात अच्छे जे मुख्यमंत्री स्वयं मैथिली से बड़ निक बजे आ तखन ई तीन गोटा जे भइए गेल तो और की चाहिए हमरा सके अपने इतने निक से एक उठेलिए ये तो हमरा मन में एक टा बात आयल कि यदि हम सब जतेक आवेदन लिखी या जे कोनो काज करी सरकार हमरा सबके ये अधिकार देने नै जे हम सब अपन मातृभाषा में करी तखन सरकार के मजबूरी हेते आ सरकार के मजबूर कैल जाय जे ओ आहा के मैथिली में अपन मैथिली के ट्रांसलेटर राखू यदि आहा के मैथिली नहीं हो भैया त तो, लेकिन हम सब पत्राचार या कोनो काज करब चाहे वो केंद्र सरकार के करी राज्य सरकार के करी कोनो विभाग के करी मैथिली में करी अगर ई चेतना जागृत हेतरी तो जे सबसे निचला स्तर से एक मजबूत आ सशक्त प्रयास हेतु कि अपने कहलिए बात से सहमत नहीं एकदम सहमत आ जहन अष्टम अनुसूची में शामिल भारत के संविधान के मान्य भाषा है बिहार के एकमात्र भाषा से अष्टम अनुसूची में शामिल है जखन भारत के अष्टम अनुसूची में शामिल है तो पूरा अधिकार थे। जिनका नहीं अब सीखत यदि कोनो हाकिम के नहीं अब तो सीख लेकिन पूरा अधिकार छे अतुका जनता के मिथिला के या बाकी जगह पर पूरा भारत के अष्टम अनुसूची में तो भारत में हम मैथिली में दो सके छी इनका नहीं अब सीख लो तो लेकिन बे मिथिला में और मिथिला क्षेत्र में तो मैथिली में दरखास्त देले के देवक चाहिए अहम सुझाव सुझाव आ तखने जगबो करता सब तखने तक, वो पर ध्यानों जतन हम दरखास्त दें के चाहिए मेमोरेंडम दे दें के चाहिए और भोट से जोड़े के चाहिए भोट से एना जोड़े के चाहिए अखन किस दल के लगे में बजल से कोनो भोट में फायदा नहीं हुई हम एक आदमी के धन्यवाद देवन दल के नहीं चला वो व्यक्ति छला भोगेन्द्र झा जी अनवरत अपना भाषा ले वो करला जहन के लेफ्टिस्ट चल रहा आ कम्युनिस्ट में ऐसे आई इमोशनल सब्जेक्ट के कोई भाव नहीं है वह तो केवल भूख के लड़ाई लड़े ओकरे सबटा चीज कूझ लेफ्टिस्ट जो व्यूज ते में संस्कृति ओकरा में किछ कि लेकिन भोगन झा लगातार मिथिला करती और हर भाषण में मैथिली के आगा बढ़ेगा सब द्वारा पढ़ा सके लेकिन कखन बढ़ते लोग सब लोग के लगते समग्र मिथिला वासी सब समाज के लगते सब वोटर के लगते हिंदू मुसलमान के लगते कि हमार भाषा छी हमरे भाषा में गप जहने बजे जही टोन में बजे यदि हम कहबे वाह वाह असली मैथिली या बजलै तखने वो सके छी भाज सकते जा तू तो अशुद्ध बज दलक हो तू कलक हो इधर बाधने बजे सै असली भाषा आक्रमण वो नहीं असली भाषा जे समाज बजे वो असली भाषा तकरा तक कर अहाँ के बात से पूर्णतः सहमत हमारा आवेदन और ब्लॉक ऑफिस में बाकी जगह सिर्फ मैथिली में जबा चाहिए मैथिली देवे जानो अब कि नहीं मैथिली अं ठीक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी अपने एक दिन खिस्सा कहते कहित कल को झाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में संगी रह हिंदी बजबे नहीं करू कि नीतीश की हाल चाल इोलगे कि हो फं हाल चाल तो सजे आब गया छ्रेण्ड रह्रेण्ड के सी हाज अब आ तारकिशोर जी अं ठीक वो तो मैथिली स्पीकिंग कटिहार के एमएलए और बढ़िया मैथिली बजे कने दिन पहले मिथिला मिरर वाला ललित गेल गला है आ, हम उनका फोन के लिए तो भेज दियो आई गेला तो पूरा मैथिली में इंटरव्यू दिल्ली तै द्वारे खाली हमरा हमारा उदार हे हमी बजे से तो असली मैथिली नहीं छै जे समाज बजे से मैथिली छै ओ गोड्डा में बजत बाबा धाम में बजित हो या वो मुजफ्फरपुर या ओता बजित हो समीपुर मुजफ्फरपुर में बजत हो वैशाली में ओ मैथिली असली छै बस बिल्कुल और, और जखन तरह तो सरकार के मजबूरन फॉन्ट व्यवस्था करता पड़ते मैथली में अगर हम सब तरह बिल्कुल तनित बहुत पैद कदम है कनी कानी पी सकते अपने लगातार बाजि जी चूँकि देखलिए हम तो दर्शक सबके कोटा प्रश्न नहीं ला ना बहुत रास प्रश्न आ रहा है जे आहा दोनों गोटे के प्रणाम करे लेकिन माला जी जी कायल कहन भेर में एक, एक घंटा जे इंग्लिश में लिखो आवेदन पर फिर नहीं भेटल तो, मिथला में कोना हैत अच्छा तो मैंने इंग्लिश में आवेदन दिल की कन अरे मिथिला में दियो तो अवश्य बेटा जवाब देती ने कन हमरा संगे बैसल छत विनोद नारायण जी दे दे संजय झा कहे जब हम जे मैंने इंग्लिश में लिखलो तखन आवेदन आवेदन दिलिये तो ओकर मैंने कोनो में भेल तो हम हम मैथिली में के केना भेटत मैथिली अपने कहे जहां अंग्रेजीयो में नहीं भेल तो केना के, के तो है मैं अच्छा मैंने चाहे वो भाषा के कारण नहीं ओकर नियत खराब रहे के नहीं तैं लेकिन हिम्मत नहीं हारबे हिम्मत हारबे तक गड़ौड़ा देते हिम्मत करियो बार बार देवन हो जहन अंग्रेजीयो में नहीं हिंदीओ में नहीं मैथिली में डर कूद ते कोनो डरक बात नहीं छे सब गोटे करू आ एकदम मैथिली में दियो यदि तो आ, 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 जिनका नहीं अब सीख लेता मिथिला इलाका में जता मैथिली सीखक हमारे बच्चा रूस में आज चीन पढ़ा जाइए अच्छी मेडिकल में एक साल वो रशियन लैंग्वेज पढ़ पड़े चाइनीज लैंग्वेज पढ़य पड़ी जैपनीज लैंग्वेज पढ़ पड़ी वो सीख सके हमार बच्चा आई हाकिम भला है आ हाकिम भू विदेश है बगल के जिला से अला है बिहार में के मैथिली नहीं जानको के के नहीं बुझ सके भर बाजा में दिक्कत हो लेकिन बुझा में किनको दिक्कत नहीं है ते एकदम तो लिखक चाहिए आ सब कर चाहिए हां शुरुआत करो चाहिए क्योंकि गप तो बहुत किस कर के और जे दर्शक सब से हो पूछ रहा ला लेकिन हमरा समय क्या भाव के अभाव है हमर सबके समय पूर, पूरा भ रहल है तो अंतिम प्रश्न अपने सब पूछब हम एखन हमरा ई कहे में कोनो हर्ज नहीं बल्कि गर्व होइत ज माँ जानकी की कृपा से मिथिला के एहन प्रणेता भेटल जे सब तरह कुशल जिनका अपन स्टडी मैथिली में बहुत बढ़िया एहन में सबक उम्मीद स्वाभाविक है अपने से बहुत बढ़ जाती है प्रारंभिक शिक्षा मैथिली भाषा के माध्यम से हो या मैथिली भाषा पढ़ौनी कक्षा एक सकते उच्च स्तर तक के एही लेल अपने विधानसभा में जन प्रश्न उठेने यार। ता त बेर फिर बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैथिली भाषा भाषी के सम्मान भेटवा रास्ता प्रशस्त भेले हमरा संगे सब ई जान चाहे, चाहे जी जे, तरहक जे सवाल उठले सरकार पर की उत्तर दिलक आब पर परिस्थिति है सरकार के इच्छा सरकार सरकार के आंचलिक भाषा में हम क्य करब आ जे जे भाषा है ता में हम प्राथमिक शिक्षा के पढ़ाई देवे लेकिन अगर प्रॉपर तैयारी के हम पूरा विज्ञ नहीं हम सरकार के अंग नहीं एम एल ए मंत्री रही लेकिन सरकार अगर विधिवत विधानसभा में घोषणा क चुक है कि हम जे बिहार के स्थानीय भाषा छी ता में प्राथमिक शिक्षा हम देवे लेकिन कते काज बढ़ा लेते है पूरा अप टू डेट नहीं ची। लेकिन एक ता बात हम ची। सरकार मैथिली विरोधी सरकार नहीं छी हम शुरू में कहा जखन आ, ब, 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 सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी वाला मामला चल गई सरकार नीतीश कुमार जी के सरकार बने धरें विड्रॉ कल्कि नीतीश कुमार सुशील मोदी के सरकार और उतने नहीं और समय में जखन जखन जरूरत भले अष्टम अनुसूची में तखन भले जखन बीजेपी के सरकार रहे और नीतीश कुमार में मंत्री रहे कहीं मैथिली विरोधी नहीं हाँ हमारा सबके उपयुक्त माहौल बने के आ समग्रता में एक के आ सब गोटे यदि एकरा लेबे तो वो दिन दूर नहीं छे जो में है प्राथमिक शिक्षा मैथिली में शुरू हेतक आ शुरू हेतक बच्चा हमारे कम से कम प्राथमिक विद्यालय में मैथिली में सब विषय पढ़त एक भ्रम और सौंसे मान्य मा भाषा पढ़ पड़ते नहीं 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 माने सब कुछ मैथिली में पढ़ते जत्ते चीज से मैथिली में पढ़ाई ई लोग के बूझक चाहिए प्राथमिक स्तर पर बाकी जे भाषा में पढ़त तेल नहीं आ जल्दी हेतक आ सरकार धन घोषणा के कल सरकार जे जे घोषणा कलक है को घोषणा से वो पाछा नहीं हटल हम है हमारा विश्वास है कि विजय चौधरी जी, जी जे विधानसभा में घोषणा कल हम लोकल लेवल पर लोकल लैंग्वेज में हम प्राथमिक शिक्षा देवे अपरुख खड़ा उतरता आ आती खाली हम हम सब ओकरा मैथिली कह देथुन दे अंगिका छै ओ सबटा मैथिली के बोली उनका हर के अम्बिका कवि कहे के कवि छियै शारदा देवी जी अहा बज्जिका के गायक नहीं मैथिली के गायिका छी सब मैथिली छे और वही मैथिली के विभिन्न तरह सब के टोन अपन बुझियो आ प्राथमिकों विद्यालय में जल्दी आ बाकियों विद्यालय में जल्दी हेते भारत सरकार जे न्यू एजु, एजुकेशन पॉलिसी अनलक है तक मूल फ्रस्ट ये छे मूल भाव यह लोकल लेवल पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो जी बहुत बहुत धन्यवाद अंत में हमरा से समय समाप्त भ चुक है अंत में कह चाहब जे तेईस फरवरी का आहा सबक माध्यम से या कह सकती माँ सीता के आदेशानुसार एक रेखा खींचल गले आबे वाला दिन में नमहर हम नम्हर हो सकती बहुत बहुत धन्यवाद अपने के एत समय हमरा संगे जुड़लो बहुत, बहुत बहुत आभार धन्यवाद 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 और समस्त मिथिलावासी वी कह चाहब जे हिंदा सबके संग देवाक चाहिए जत सबके एहन ध्वजवाहक सब भेटला है जे एक तरह हमरा सबके हमरा बेनीपट्टी के, बेनी के विधायक के रूप में जे बाजे में कोनो दिक्कत नहीं है अब हमरा सबके लगे या जे हम सब किछ बढ़िया को सके छी बस जरूरत अच्छा पाँचों आंगूर के मुठ्ठी बनाकर आगू बढ़ के चल के तर्शकस के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार हमारा संगे जुड़ल Uh, फिर पुनः हम अपने uh, से विदा लेन और uh, पुनः हम अ uh, समय में दर्शक सबसे जुड़ब uh, तावत के तक के लिए uh, हम दर्शक सबसे विदा ले चाहब uh, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ नमस्कार काल वेलकम एंड आदाब You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind multilingual eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, svorti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out BharatFM.com for our online program schedule and archives i'm sure the content will definitely tickle your senses tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the bharatfm app more information can be procured at 513-488-5070 this is bharatfm bajega bharat jumega bharat नहीं। नहीं। ये है